Good morning, my dear children. How are you? I hope you all are fine and you are connected with your studies during this lockdown period. My dear children, previously I had started chapter 1 and I had began with the introduction. But since we are going to start our classes with this online procedure, I'm going to continue with a very simple chapter so that it would catch your interest, and next time onwards we'll continue with the difficult ones. So I chose this very simple chapter which is very interesting. So let us begin. Ecosystem. While talking about ecosystem, we have to study about various component, minute components of ecosystem. जब हम लोग ecosystem के बारे में पढ़ना चालू करेंगे तो directly ecosystem में ना जाकर पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ecosystem किन किन components से बने हैं. Understood? हम लोग earth के बारे में बात करेंगे तो पहले earth के components के बारे में बात करेंगे, जैसे air, water, land, ये सब बनाते हैं तो earth बनता है. ये सब मिलकर हमारा earth बनता है. earth में अगर life होता है तो क्यों होता है, हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब पता चलेगा हमारे अर्थ में लाइफ कैसे, मतलब रहते कैसे हैं. तो हम लोग सबसे पहले इसके बेस को स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक द डेफिनेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम लोग एक छोटे तरीके से एक स्कूल के बारे में बात करें, स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या स्कूल का बिल्डिंग सिर्फ काफ़ी है? नहीं. स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसमें प्रिंसिपल, बाकी अथॉरिटी जो होते हैं वो सब मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. तो हमारे अर्थ में भी वैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं. और ये सब कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? हम लोग छोटे से बड़े में जाते हैं, बच्चे, उसके ऊपर टीचर, उसके ऊपर प्रिंसिपल, उसके ऊपर तुम्हारे प्रिंसिपल के हेड जो अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं. तो एक सीक्वेंस में चलता है और सीक्वेंस में चलने से ही हमारी काम सही होती है. अगर यह सीक्वेंस ना हो, अगर किसी का इंटरेक्शन का पूरा सही चेन ना हो, डायरेक्टली बच्चे डायरेक्ट प्रिंसिपल या अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें, टीचर से नहीं, या प्रिंसिपल पढ़ाए टीचर का नहीं, तो ये कॉम्पोनेंट क्या सिस्टमैटिकली और स्मूथली चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे. हर किसी को सिस्टमैटिकली और स्मूथली चलने के लिए एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है. व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इज इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की, दैट इज इन फॉर्म ऑफ सिंपल टू कम्प्लेक्स, इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे बच्चे सिंपल, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्रिंसिपल से ऊपर अथॉरिटी. सिंपल. द लिविंग वर्ल्ड इज हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस लेवल्स एज शोन इन द फ्लो चार्ट. ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट, इसमें यह दिखाया है कैसे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर. आप पूछोगे कि ऑर्गेनाइजेशन से पॉपुलेशन कैसे और कम्युनिटी कैसे. अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डॉग का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिफरेंट एनिमल्स उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया. अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक पॉपुलेशन, जैसे हमारे उड़ीसा का पॉपुलेशन हो गया, ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन हो गया, फिर उड़ीसा का डॉग का पॉपुलेशन हो गया, उड़ीसा का वेरियस एनिमल्स का पॉपुलेशन हो गया, फिर बनाते हैं कम्युनिटी. जैसे हम लोग कम्युनिटी बेसली ब्रॉडली ऐसे हम लोग बोलते हैं, जैसे इंडियन, अमेरिकन, ब्रॉड हो गया. फिर सपोज आ गया इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर दोनों आ जाते हैं, तुम्हारे लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम क्या सिर्फ हम हैं? इकोसिस्टम का मतलब है कि हम और हमारे साथ रहने वाले बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, ये हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम के अंदर. उससे बड़ा हो गया बायोस्फीयर, जिसमें हम, हमारे साथ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. बायोस्फीयर दो तरीके से होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट होते हैं, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं. लिविंग को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग को बोलते हैं हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट. समझ में आया इतना? चलो अब आगे पढ़ते हैं. ऑर्गेनिजम्स कैन बी इंडिपेंडेंटली, कैनॉट लिव इंडिपेंडेंटली. हम लोग क्या, मैन इज अ सोशल बींग बाय नेचर, पता ही होगा कि हम लोग अकेले जगह वीरान रह सकते हैं? नहीं, हमें कोई चाहिए, हम लोग डिपेंड करते हैं. हम लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट हम पे डिपेंड करते हैं. तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं. अगर तुम बोलोगे कि हम पूरी दुनिया में जितने प्लांट्स हैं सबको चॉप कर दें एंड देन वी आर गोइंग टू सर्वाइव, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सिमिलरली इफ प्लांट्स क्लेम दैट, सपोज अगर प्लांट्स के पास जुबान होती है, वो बोलते हैं कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो गाय, भैंस, बकरियां, ह्यूमन बींग, सबको मार दे और हम जिए, तो पॉसिबल नहीं है. हम लोग साझेदारी से जीते हैं. कैसे? प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देता है, हम लोग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. एक इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? ओके.
organization that are structurally similar and breed among themselves to produce their young ones is called species. For example, cat का एक species. Cat एक cat से ही interbreed करके new cat form कर सकती है, new cat reproduce कर सकती है. Cat एक dog के साथ interbreed करके produce कर सकती है क्या? No. That means two cats they belong to same species. Two human beings they belong to same species. Two dogs they belong to same species. समझ में आया? What is species? Species are the organism that can interbreed among themselves to produce their young ones. Simple. Group of organism of same species in an area is formed is called population. जैसा कि हम लोग human being population. एक human being दूसरे human being interbreed करके new produce कर सकते हैं और हम लोग एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Population. ठीक है? Group of people, herd of cows, flock of pigeons are some of population का example. Got it? Now talking about हम लोग अभी पढ़े छोटे species के बारे में, उससे बड़ा पढ़े population के बारे में. अब उससे थोड़ा ऊपर हम लोग पढ़ेंगे community के बारे में. The different populations that live in a defined area and interact among themselves form a community or a biotic community. Biotic community, biotic का मतलब होता है living community. क्या होता है? Living. Different population that live in defined area, हम लोग जैसे केंद्र के area में रह रहे कि नहीं रह रहे, and interact, हम लोग एक दूसरे से interact करके रहते हैं, तो we form a community, ठीक है? For example, in a forest community, there are populations of different insects, plants, animals, तो ये लोग एक दूसरे से साझेदारी में रहते हैं कि नहीं, सब मिलजुल कर. अब ये टाइगर नहीं बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, टाइगर के वहाँ के फॉरेस्ट लैंड को बोलते हैं चले जाओ. नो, दे ऑल इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ और सब अपना साझेदारी से वहाँ रहते हैं. सिमिलरली अ डेजर्ट कम्युनिटी हैज डिफरेंट पॉपुलेशन. अब जैसे डेजर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स में होते हैं और जैसे रेन फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो जानवर जिनको ज़्यादा पानी में रहने की ज़रूरत है या वो प्लांट जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो रेन फॉरेस्ट कम्युनिटी में रहते हैं. अब वो एनिमल जो कम पानी में रह सकते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. वो प्लांट जो कम पानी में ग्रो कर सकते हैं जैसे कैक्टस, ये डेजर्ट में ग्रो करते हैं, तो वो हो गया डेजर्ट कम्युनिटी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, लेट अस टर्न टू नेक्स्ट पेज. Now that we have completed understanding what is population and community, let us move towards understanding what is an ecosystem. बच्चों, चूंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है मेरा हाथ वाइब्रेट करे और तुम लोग को ये लाइन ना दिखे, तो मैं ये कहूँगी कि तुम लोग अपने अपने बुक्स खोल लो और मैं लाइन जो रीडिंग कर रही हूँ उसे टैली करो, तो तुम्हें समझने में आसानी होगी. और जो ना समझ में आए यू कैन टेक्स्ट मी. ओके. ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट देमसेल्फ टू सराउंडिंग एनवायरमेंट. हम लोग आज जो यहाँ पे रह रहे हैं, अडैप्ट टू दिस सराउंडिंग एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन टेम्परेचर से अडैप्टेड है, उनको कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड रहने में कोई तकलीफ नहीं. हम रेड इंडियंस, हम लोगों को यहाँ पे इस एनवायरमेंट में मॉडरेट टेम्परेचर में रहने की आदत है. अगर हमें बोलेंगे अंटार्कटिका में रहो तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. अगर अंटार्कटिका के लोगों को बोला जाएगा कि आप अफ्रीका में स्कॉचिंग हीट में रहो तो उनके लिए रहना पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दे हैव अडैप्टेड टू डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट क्लाइमेट जोन. ये सुनो, अब हम लोग यहाँ पे केंद्र के लोग एक मॉडरेट क्लाइमेट में रहने का आदत है. मॉडरेट हीट, मॉडरेट मतलब रेनफॉल, मतलब एम्पल रेनफॉल, सफिशियंट रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पर. और जो हमारा एज कम्पेयर टू दिल्ली, हमारा जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है और सर्द है, बहुत ही मॉडरेट होता है. पर अगर वही चीज़ हम लोग दिल्ली में जाते हैं, इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है कि हमारे लिए बहुत तकलीफदायक हो जाती है. तो वी हैव अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ केंद्र टाउन. ये सुनो, एंड पीपल ऑफ दिल्ली, दे हैव अडेप्टेड टू क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. ये सुनो, पीपल ऑफ अंटार्कटिका हैव अडेप्टेड टू क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका. उनको आदत है वो इतने एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर, उनका माइनस कभी कभी 60, 70, 80 तक पहुँच जाती है, फिर भी उनको आदत है वो कैसे इग्लू बनाते हैं उसके अंदर रहकर वो रह सकते हैं. जैसे अफ्रीका के लोग इतने सख्त गर्मी में भी वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उनका बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड है कि उसको सह सकते हैं. हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम सह नहीं पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो ऑर्गेनिजम्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू एनवायरमेंट. आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई हो. एंड एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक, जैसा कि मैंने कहा एनवायरमेंट दो कॉम्पोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट. बायोटिक मतलब लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, सॉयल, एयर, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. अब तुम बोलो बच्चों, क्या हम लोग विदाउट एबायोटिक कॉम्पोनेंट रह सकते हैं? बिना हवा के रह सकते हैं? नहीं. बिना जमीन के रह सकते हैं? हमें चाहिए. इस लैंड में हम लोग खड़े हो सके, रेस्ट ले सके, हमें चाहिए.
विदाउट वाटर रह सकते हैं? इम्पॉसिबल. विदाउट सनलाइट रह सकते हैं? इम्पॉसिबल. तो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर इंटरडिपेंडेंट. यस सुनो, हमको दोनों चीज़ चाहिए. चाहिए कि नहीं? अब तुम बोलोगे मैडम इंटरडिपेंडेंट कैसे? अब जो हवा है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम लोग उसके रेशियो को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे से साझेदारी से काम कर रहे हैं. फिर द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करके, उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम. पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक्सेट्रा आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. जैसे कि देखोगे पॉन्ड में अलग किस्म के मछलियाँ, मेंढक पाओगे. तुम ओशन में जाओगे, अलग किस्म की मछलियाँ और ये सब एनिमल्स पाओगे. तो उनका अलग अलग इकोसिस्टम है कि नहीं है? डेजर्ट में अलग किस्म के जानवर को पाओगे. तो दे हैव अडेप्टेड टू देयर ऑल पॉपुलेशन कम्युनिटी. अंडरस्टूड? फिर और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है. वो कैसे? घर पे हम लोग एक्वेरियम बनाते हैं अपने हिसाब से, आर्टिफिशियल फ्लावर या अपने मन मुताबिक हम लोग हाइड्रिला ला के इंट्रोड्यूस करें, या लिविंग प्लांट्स एंड नॉन लिविंग प्लांट्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मन मुताबिक. हम लोग उसमें फिशेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एनिमल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने बनाया है. इसी के लिए उसको बोलते हैं क्या? मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अंडरस्टूड? गार्डन अपने हिसाब से हम लोग चूज करते हैं, हमें ये पेड़ लगानी है, हम लोग गार्डन में वो पेड़ लगाते हैं. हमें मन करता है कि हम ये पैरट या ये बर्ड या ये एनिमल, कोई पिकॉक रखते हैं, कोई रैबिट रखते हैं, ये हम अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे मन मुताबिक है. सो इट इज़ आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल हु इन टर्न रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू प्रोड्यूस. जैसा कि मैंने बताया, प्लांट और एनिमल साझेदारी से रहते हैं. हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट हैज आल्सो देयर लाइफस्टाइल. लिविंग स्टाइल इज कॉल्ड लाइफस्टाइल. ओके? बायोस्फीयर, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड टुगेदर फॉर्म बायोस्फीयर. जितना भी इकोसिस्टम है, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हैं जिसके जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब मिलाकर ये क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर. इट कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. ठीक है? कैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अगर ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो बच्चे ये देखो, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया ऑर्गेनिज्म, उससे ऊपर पॉपुलेशन, उससे ऊपर कम्युनिटी, उससे ऊपर इकोसिस्टम एंड उससे ऊपर बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर हाईएस्ट लेवल हो गया. आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टूड. Now, coming towards the definition of ecology and ecologists, the study of interaction amongst the biotic and abiotic component in an ecosystem is called ecology. तो बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं ecosystem को क्या होता है. ecosystem का मतलब होता है biotic और abiotic component एक साथ रहते हैं. और इसको पढ़ना, इसके बारे में जानना, इसको study करना, इसको बोलते हैं ecology. The scientist और जो scientist ecology पढ़ता है उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट. ओके? चलो आज फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग कॉम्पोनेंट्स. आज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट तक का हम लोग कवर अप करेंगे. ओके? चलो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. जैसा कि मैंने बताया, इकोसिस्टम के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक में सारे लिविंग पार्ट्स आएंगे, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. और एबायोटिक में तुम्हारे आ जाते हैं विंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, मिनरल एक्सेट्रा. सो बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. दीज लिविंग थिंग्स कैन फर्दर बी ग्रुप्ड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. तो ये बच्चों, हम ये पढ़ाई बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में. प्लांट्स हमारा प्रोड्यूसर होता है. कैसे? प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड वी रेफर द वर्ड प्रोड्यूसर एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स प्रिपेयरिंग. ऑटोट्रॉप, सेल्फ प्रिपेयरिंग. अंडरस्टूड? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, दैट इज ग्लूकोज, बाई यूटिलाइजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल.
और इस प्रोसेस का नाम है क्या? फोटोसिंथेसिस, जो कि हम क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके, नाउ कंज्यूमर. हम सब कंज्यूमर हैं. हम क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते. अब तुम बोलोगे मैडम खाना तो बनाते हैं घर पे. वी कुक फूड, वी डोंट प्रोड्यूस फूड. हम लोग क्या पेड़ हैं जो खुद से अपना मतलब प्रॉपरली ग्लूकोज वगैरह बना सकते हैं? नहीं, हमें बना बनाया ग्लूकोज मिलता है, बस उसे हम लोग थोड़ा रॉ से राइप करते हैं या फिर पका देते हैं गैस में, या फिर तुम नेचुरली उसको छोड़ देते हो. जैसे मैंगो आप कुक करके हम कभी कभी पकाते हैं, कभी कभी उसको राइप करने के लिए छोड़ देते हैं. तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीका है कंजप्शन का. तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वी जस्ट गेट इट फ्रॉम, मतलब हमने, हम कहते हैं ना, वी ह्यूमन बींग वी आर स्नैचर्स विच स्नैच द फूड फ्रॉम द प्लांट, इजंट इट? हम लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, सब प्लांट के ऊपर छोड़ देते हैं. प्लांट बनाता है, मेहनत करता है और हम बस उसे लेकर खा लेते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो बच्चों, अब जैसे हम में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन, मशरूम वगैरह वगैरह वेराइटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो सिर्फ प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं क्या? नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, एंड वी आर कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर्स को क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स. क्या बोला जाता है? प्लांट को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, सेल्फ प्रिपेयरिंग. हेटरोट्रॉप्स दे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेस. नाउ कंज्यूमर्स को हम लोग आगे डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. इसको समझने के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. बच्चों, द वर्ड हर्बीवोर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड हर्ब्स. हर्ब्स मीन प्लांट से होता है. तो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट खाकर रहते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोर. इजी. और ये सबसे पहले कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. प्लांट हुआ प्रोड्यूसर, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि हम जो लोग शाकाहारी लोग हैं उन लोगों की बातें कर रहे हैं, ठीक है. देन कम्स कार्निवोर. कार्निवोर वो एनिमल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए. ऑर्गेनिज्म इन द सेंस दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं. ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो गोट, फिश, हैन डिपेंड करते हैं. तो वी ऑल आर कार्निवोर, वी आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, और टाइगर, टाइगर डिपेंड करते हैं डियर के ऊपर, और डियर डिपेंड करता है ग्रास के ऊपर. इजी, ग्रास और स्मॉल प्लांट्स के ऊपर. सम कार्निवोर फीड ऑन डेड एनिमल्स, जैसे जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स. क्या बोला जाता है? प्लीज लर्न दिस टर्म, स्कैवेंजर्स. फ्यू एनिमल दैट डिपेंड ऑन द डेड प्लांट फॉर द डेड एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल्स आर वल्चर्स एंड हाइना. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी थर्ड कंज्यूमर जैसे कहते हैं. वो एनिमल जो कि सेकेंडरी एनिमल को खा के जीते हैं, जैसे कि ईगल. ईगल क्या करता है? वो छोटे छोटे रैट्स को खाता है. रैट्स क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं. समझ में आया? ग्रास भी खाते हैं, कीड़ों को भी खाते हैं. तो टर्शरी कंज्यूमर हो गया कि नहीं ईगल? अंडरस्टूड? सो दीज आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर. सो एनिमल दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल ईगल, इज कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर. नाउ स्नेक भी इसी तरीके से छोटे जानवर जैसे फ्रॉग को खाता है. ओके, कंज्यूमर दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर. समझ में आ गया? जैसे हम लोग जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, वी आर few human beings, they are omnivore. Understood? अब जैसे human being को भी बोल लो और जैसे crow को भी बोल लो, ठीक है. Crow grains भी खाते हैं, crow small minute microorganism मतलब कीड़े वगैरह भी खाते हैं. Now coming towards decomposers, ये बहुत ही important role play करते हैं हमारे environment में. हालांकि decomposers सुनने में तो बहुत simple लगती है कि ये सिर्फ decompose करते हैं, गला देते हैं, पर इनके गलाने की वजह से बहुत सारा वेस्ट डिस्पोजल आसानी से हो जाता है. जब ये कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, ये सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं बाय एडिंग ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल. डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द वॉर्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड इंटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स दैट गो बैक टू द सॉइल फ्रॉम वेयर द प्लांट्स कैन यूज देम. तो ये क्या कर रहे हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके मतलब उनको गला देते हैं,
और ये गलने के बाद कहाँ जाते हैं, वापस सॉइल में चले जाते हैं, तो सॉइल का न्यूट्रिएंट वापस बढ़ जाता है, जो न्यूट्रिएंट सॉइल से वो लिए रहते हैं वापस उसमें चला जाता है। ओके, सो प्लांट कैन उसके बाद उसी मिट्टी में जो दोबारा जो पेड़ ग्रो करते हैं उनको फ़ायदा होता है कि उन्हें न्यूट्रिएंट मिलती है। इन अदर वर्ड्स, दीज आर द क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस मच। अंडरस्टूड? ओके।